यूट्यूब थ्रू से आपका वीडियो एक बार देखा मिला था, तो उसी थ्रू से आपको ढूंढ के मिला हूँ और उसी से कॉन्टेक्ट किया हूँ। फार्म का लंबाई कितना है आपका? मेरा फार्म का लंबाई है 65 फीट एंड लंबाई है, और चौड़ाई? चौड़ाई है 22 चौड़ाई है। पाइपलाइन ने पानी खुल कर पूरा चेक कर दिया है, कोई इसमें लीकेज प्रॉब्लम नहीं है? कोई लीकेज का प्रॉब्लम है नहीं। फिटिंग कैसा हुआ है? बढ़िया हुआ है, बढ़िया फिटिंग हुआ है ना, फिटिंग बढ़िया हुआ है, अच्छा लगा हुआ है। मेरे फ्रेंड ने जो आप लोगों को रिप्लाई दिया है। नमस्कार बंधुसকল, নিপুল লিংকা সেট সাপ্লাই দিছো অরুণাচল ধেমালি। আপোনালোকে দেখা পাইছে গাড়ীতে মালবিলাক লোডিং কৰি ৰখা আছে, এতিয়া লৈ যামগে আমি। আৰু পাহাৰৰ ওপৰত উঠিবগৈ লাগিব, কব গলে ৰাস্তাটো ইমান ভাল নহয়। আপোনালোকে দেখা পাব আগলে আমি এতিয়া যামগে অরুণাচল ধেমালি, গাড়ীত মালবিলাক লোডিং কৰি লৈছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ মাজিত বহি আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে, ইনষ্টলেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। ফাৰ্মখনো আপোনালোকক দেখামগে গৈ পেলাই, এচিখনতে উঠাই লৈছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে যিজন দাদাৰ ভাগৰ ফাৰ্মত ইনষ্টলেশ্যন কৰিব আহিছোঁ, তেখেতে এচিখন পঠাই দিছে মালবিলাক নিবৰ কাৰণে। এইবিলাক মই লগত লৈ আনিছিলোঁ বাছত লাইন গাড়ীত। এতিয়া ক'ব গ'লে ইয়াৰ পৰা লাইন গাড়ী পোৱা নাযায় দেওমালিলৈ। পেলাই মই ফাৰ্মখনো আপোনালোকক দেখামগৈ, আৰু আপোনালোকে দেখা পাব আগলে যাতায়াত ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা সেইটো দেখাম অৰুণাচল দেওমালি। এতিয়া আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম, আপোনালোকে দেখা পাইছে নাহৰকটীয়া পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। যিজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মই নিপুল লিংকাৰ চেট চাপ্লাই দিছোঁ, তেখেতে ক্লিয়াৰলি অসমীয়া ক'ব নোৱাৰে, হিন্দীতে বেছিভাগ কথা পাতে, সেইকাৰণে হিন্দীতে হ'ব বাকীচোৱা ভিডিঅ'। আপোনালোকে দেখা পাব অৰুণাচল দেওমালি গোটেই পৰিৱেশ। ধাবাত সোমালো, এতিয়া অন্নমুঠি গ্ৰহণ কৰিলে এতিয়া গৈ থাকিম ধাবাৰ পৰা। এতিয়া ভাতটো খাব লৈছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে মৰ্ণিং টাইমৰ পৰা খোৱা বোৱা হোৱা নাই, যিহেতু গাড়ীত আহি আছোঁ। এতিয়া খাই বৈ পেলাই আকৌ যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিম। গাড়ীত খাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে, লোকে ইয়াত এতিয়া মাছ নাইকিয়া হ'ল, সেইটো কাৰণে ডিম আমলেট কৰি ল'লোঁ। ডিম আমলেট কৰি ল'লোঁ, খাইছোঁ। বাকী আৰু কোনো আইটেমছ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে, বাকী আইটেম थोड़ी देर के बाद उबर खबर रोड से जाना पड़ेगा, जो कच्चा रोड है, उबर खबर है, ऐसा बाहर का रोड। अभी पहाड़ का रोड में हम लोग गाड़ी चला रहा है, थोड़ा सा अप एंड डाउन है, और रोड तो ऐसे अप एंड डाउन तो हो गया। कच्चा रोड है, थोड़ा सा पत्थर है, थोड़ा सा मिट्टी है, ऐसा है, पिसलन भरी है। बारिश हो जाएगा तो ज़्यादातर पिसलन होता है, इसलिए धीरे धीरे चलना पड़ता है आगे। उबर खबर रास्ते से आते आते अभी देवमाली हम लोग पहुँच गया। पहाड़ का जो रास्ते है वो तो उबर खबर होता है, पिसलन भरी होता है, और गेट में लिखा हुआ है वेलकम टू देवमाली। देवमाली का ये मेन गेट है, वेलकम टू देवमाली। हम तो देवमाली अभी पहुँच गया, और ये देवमाली का डेली मार्केट है, देवमाली का मेन टाउन बोल सकता है। नाइट का व्यू है, आप लोग देख लीजिए।
और नया मेरी चैनल पर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अरुणाचल देवमाली में निपुल डिंगर सिस्टम का काम हमने शुरू कर दिया है सुबह से, अभी काम लगा रहा है इंसुलेशन का। हाय फ्रेंड्स, यंगस्टर पोल्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। निपुल डिंगर का सेट सप्लाई दिया था अरुणाचल देवमाली, इंसुलेशन का काम आज तक मेरा दो दिन हो गया, आज कंप्लीट करने वाला है निपुल डिंगर का जो इंसुलेशन। अभी आगे फार्म है, आप लोगों को मैं दिखाने के लिए आ रहा हूँ। फार्म का जो है नेचुरल तरीके से बनाया है, जो फार्म बनाया है वो तो पहाड़ एरिया है, ऊपर थोड़ा ऑफ है, वो ऑफ है, और एक थोड़ा समतल एरिया है, यहाँ पर ही फार्म लगाया है पोल्ट्री फार्म। इस पोल्ट्री फार्म में इंसुलेशन कर रहा हूँ निपुल डिंगर का सिस्टम, सप्लाई देकर मेटेरियल्स, अभी इंसुलेशन का काम चल रहा है। दो दिन हो गया मेरा इंसुलेशन यहाँ पर काम किया हुआ, आज कंप्लीट हो जाएगा। और बायो सिक्योरिटी के लिए फार्म का सारा स्क्वायर इसमें ग्रीन नेट लगाकर बरामदे बनाकर रखा हुआ है, बाहर से कोई जीव जंतु अंदर ना घुसे इसीलिए। और फार्म का ऊपर में जो ताल का जो पट्टा है वो पट्टा यूज़ किया है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं होगा, ठंडी में भी ज़्यादा ठंडी नहीं होगा, नेचुरल तरीके से बनाया है। साइड में बेम्बो लगाया है और केस फार्म है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा केस फार्म है, वो जाली यूज़ किया है, नायनल का हेक्सा जाली है। यही फार्म है, मैं अंदर घुस चुका हूँ और निपुल जी का इंसुलेशन का काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी 70% काम हमारा हो गया, 30% कम बाकी है। वही केस का लंबाई बनाया है 65, इसका लंबाई है केस का, और केस का चौड़ाई है जो सेंटर का जो केस है वो 7 फीट रखा हुआ है, और साइड का रखा हुआ है 5 फीट इसका चौड़ाई, और नीचे से ऊपर तक इसका हाइट रखा हुआ है 3 फीट। 3 फीट से थोड़ा ज़्यादा है, 3 फीट होना नहीं चाहिए, 3 फीट तो ज़्यादा हाइट हो गया, दाना देने के लिए दिक्कत होगा। वो नया बना रहा है इसीलिए आइडिया नहीं है, इसीलिए थोड़ा हाइट कर दिया। वो तो नीचे ग्राउंड से और सांग 2.5 होना चाहिए, 2.5 में इसका हाइट रखना चाहिए, और लंबाई जितना करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका हाइट थोड़ा कम होना चाहिए तो दाना देने में आसान होगा फेडर में। और पानी तो देना नहीं पड़ेगा, जीरो डेस्क से लिफ्टिंग तक ऑटोमेटिक होगा, निपुल ड्रिंकर सिस्टम से ही चलेगा। फ्रेश ड्रिंकिंग सिस्टम है निपुल ड्रिंकर सिस्टम, इसमें मोर्टेलिटी कम होता है, निपुल ड्रिंकर सिस्टम में बीमारियां कम आता है, फ्रेश मुर्गी को वाटर मिलता है, पानी जो फ्रेश मिलता है इसीलिए बीमारियां कम होता है, मोर्टेलिटी भी कम है निपुल ड्रिंकर सिस्टम में। जीरो डेज से लिफ्टिंग तक इसमें मैन पावर भी कम लगता है निपुल ड्रिंकर सिस्टम कर लेने से, जीरो डेज से लिफ्टिंग तक पानी देना नहीं पड़ता, धोना भी नहीं पड़ता है, ओनली फ्लश मारना पड़ता है पाइपलाइन को क्लीन करने के लिए। और टैंकी कितना लगाया है वो भी मैं आगे जाकर दिखा दूँगा, जो टैंकी का जो स्टैंड है वो ऊपर रखा हुआ है टैंकी, टैंकी का काम हमारा कंप्लीट हो गया, जो टैंकी का जो फिटिंग्स है वो फिटिंग्स हमने कंप्लीट कर लिया। टैंकी 200 लीटर का दो टैंकी लगाया है, टोटल 400 का कैपेसिटी होगा पानी का, दो टैंकी लगाया इसमें, एक एक टैंकी में अलग अलग से इसमें बल्ब लगा हुआ है पानी को बंद करने के लिए। एक टैंकी का पानी चलते रहेगा निपुल डिंगर सिस्टम में, एक का बंद करके उसमें स्टॉक रख सकेगा, और मेडिसिन भी दे पाएगा इसमें 200 लीटर, एक में मेडिसिन देगा एक में नॉर्मल पानी चलाएगा, इस टाइप से बनाया है। और ऊपर का जो
पत्ता है नटाल का, वो पत्ता किस टाइप से लगाया है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ ऊपर में। और यंगस्टर पोल्ट्री में नया आ चुका है आप लोग, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे पोल्ट्री रिलेटिव ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेगा। ज़्यादातर वीडियो मैंने आसामीज़ में ही बनाता है, आज मैंने हिंदी में वीडियो बनाया है। और जो फ्रेंड का फार्म में मैंने इंस्टॉलेशन किया हुआ है वो तो यूट्यूब से मेरा वीडियो देखकर कांटेक्ट करके उसने मेरे साथ कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करके मेटल्स वगैरह में सप्लाई करता हूँ वो जान गया। मैं यूट्यूब में मेरा बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, ज़्यादातर वीडियो सारा आसामीज़ ही है मेरा, आज ही मैं हिंदी में ही बना रहा हूँ वीडियो, ज़्यादातर आसामीज़ लैंग्वेज में ही मैं वीडियो बनाता हूँ। साइड में भी हेक्सा जाली लगा दिया है, वो जाली है ना, वो जाली जो सिक्स रहेगा ना उसी टाइम से रख पाएगा, वो जाली का से थोड़ा छोटा है आप लोग देख लीजिए, इससे थोड़ा बड़ा जाली भी आता है वो तो 20 दिन से लगाना पड़ता है, इसने तो अभी आइडिया नहीं है ना, इसीलिए उसने थोड़ा सेट वो जो ना वो छोटा सेट का लगा दिया, हाफ इंची का है ये सेट, 3-4 का जो सेट का जाली आता है ना वो लगाना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है, इसमें 6 में प्रॉब्लम नहीं आएगा, जब 6 बड़ा हो जाएगा डोपिंग बड़ा करेगा ना उसी समय इसमें डोपिंग रह जाने का चांसेस है। इसको जरूर मारना पड़ेगा, जरूर मार देने से वो नीचे गिर जाएगा, और नीचे में साफ सफाई करते रहना पड़ेगा। अभी हैंगिंग रस्सी लगाने वाला है हैंगिंग करने के लिए, इसमें एग्जस्टर भी आएगा पाइप को अप एंड डाउन करने के लिए। अभी मस्जिद ने केलम के साथ अटैच किया है पाइपलाइन हैंग करने के लिए। निपुलिंग का सिस्टम इंस्टॉलेशन किया हुआ जो ओनर है जिसका फार्म में मैंने इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया, उसका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पवन कांगलुम है, मैं देमारी का अरुणाचल का हूँ, और ये इस साल मैंने कोशिश किया है कि कोशिश कर रहा हूँ ये फार्म बनाने का, इसलिए भैया का मदद लिया हूँ। मेरे को कैसे आपने पहचाना, मेरे को कैसे आपको मेरा के साथ कॉन्टेक्ट हुआ? मैं यूट्यूब थ्रू से आपका वीडियो एक बार देखा मिला था, तो उसी थ्रू से आपको ढूंढ के मिला हूं और उसी से कांटेक्ट किया। फार्म का लंबाई कितना है आपका? मेरा फार्म का लंबाई है 65 फीट एंड लंबाई है, और चौड़ाई है 22 चौड़ाई है। ऊपर में जो लगा है ना वो ताल का पट्टा है ना? जी जी, ताल का पट्टा। नेचुरल तरीके से बनाया आपने? फुली नेचुरल है, नेचुरल है, फुली नेचुरल है फार्म। गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं होगा, ठंडी में भी ज्यादा ठंडी नहीं होगी। थोड़ा फार्म का अंदर भी दिखा दीजिए मेरा कैमरामैन। निपुल लिंगा का पूरा सिस्टम इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, और मैंने किस टाइप से निपुल लिंगा सिस्टम को ऑपरेट करना है आपको मैंने समझा दिया है, सब कुछ देखा दिया, आपको समझ में आ गया कि नहीं? जी आ गया है। आ गया, कोई तो प्रॉब्लम होगा तो मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है? जो आपने केस फार्म किया हुआ है, इस केस का इसका जो सोराई कितना किया है? इसका 7 फीट इसका सोराई है, और इसका 4 इसका 4 लंबाई यहाँ से यहाँ तक 65 है। नीचे से ऊपर तक हाइट ज्यादा कर लिया, दाना वगैरह देने के लिए थोड़ा प्रेशर होगा, ये तो नया है ना, इसके फर्स्ट टाइम है, आइडिया नहीं था इसीलिए हुआ है। इसका हाइट रखना है 2.5 रखना है, 3 फीट रख दे तो और फिदार इसमें लगे ना ज्यादा उत्साह हो जाएगा, दाना देने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए इसको ग्राउंड लेवल से 2.5 फीट ही रखना है, वही परफेक्ट साइज है। और ग्राउंड लेवल में फ्लो कर लेने से थोड़ा अच्छा होता है साफ वगैरह करने के लिए, जो केस का पोल्ट्री है ना इसको साफ करने के लिए नीचे फ्लो होना चाहिए, फ्लो होने से अच्छा होता है। यंगस्टर पोल्ट्री से मेरा फ्रेंड उसने वीडियो देखा था, वीडियो देखकर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिला था, यूट्यूब से कॉन्टेक्ट नंबर मिलने से कॉन्टेक्ट किया था मेरे साथ। और देवमाली में मैंने निपुल लिंगा का सप्लाई दिया है सेट, पूरा कंप्लीट निपुल लिंगा का सेट, इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो गया। पाइपलाइन ने पानी खुलकर पूरा चेक कर दिया है, कोई इसमें लीकेज प्रॉब्लम नहीं है, कोई लीकेज का प्रॉब्लम है नहीं। फिटिंग कैसा हुआ है? बढ़िया फिटिंग हुआ है ना, फिटिंग बढ़िया हुआ है, अच्छा लगा हुआ है। मेरे फ्रेंड ने जो आप लोगों को रिप्लाई दिया है, नया मेरे यूट्यूब चैनल में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और पोल्ट्री का वीडियो आप लोगों को मिलना चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और पोल्ट्री का वीडियो आपको मिलते रहेगा। अरुणाचल देवमाली में नामसू नदी देखने के लिए आ रहा हूँ, थोड़ा आगे नामसू नदी है, मेरा फ्रेंड थोड़ा आगे जा रहा है, आगे नामसू नदी है, इसका पानी कैसा है अभी
इसका नदी का पास जाने के बाद हम देखेंगे। यहाँ पर पिकनिक खाने के लिए आता है टूरिस्ट, यहाँ पर पिकनिक खाने के लिए टूरिस्ट भी आता है। जनवरी में आएगा, असम का आता है, यहाँ में असम का टूरिस्ट यहाँ में आता है जनवरी सीजन में पिकनिक खाने के लिए। ये पिकनिक प्लेस है, यहाँ पर भी पत्थर ही पत्थर है, हम पहाड़ के ऊपर है। ये नदी में बहाकर आता है कि नहीं, ये लकड़ी नदी से ना? हाँ नदी से आया, नदी से ये लकड़ी वगैरह आ रहा है, ये पकड़ कर रखा हुआ है। पूरा नदी का स्पीड है थोड़ा सा पानी का। जो इसका बहाव है ना, बहाव थोड़ा स्पीड है, पहाड़ का नदी का थोड़ा स्पीड ही होगा। यहाँ पर मछली मिलता है कि नहीं? मिलता है, बड़ा बड़ा मछली नहीं, छोटा छोटा मछली, बड़ा छोटा सब कुछ मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक पुआ का साइज 250 ग्राम का, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं। ये देख लीजिए, यही नदी है। यहाँ पर अग्नि लोग यहाँ पर नहाते भी है। अब नहाएगा क्या? ना नहीं नहाएगा, घर जाकर नहाएगा। थोड़ा पानी भी थोड़ा ठंडी है थोड़ा सा। आगे देख लीजिए आप लोग कितना पानी बह रहा है पत्थर के ऊपर से। हमारा माजिद भाई थोड़ा आगे है, टेक्नीशियन माजिद भाई थोड़ा आगे है, यही है अरुणाचल का देवमालिका नदी। बस स्टैंड तक हमारा जहांगीर ने ड्रॉप कर दिया, जहांगीर अभी चला जाएगा, उसका भी थोड़ा काम है यहाँ पर। ठीक है, देवमाली में पब्लिक बस स्टैंड है, सुबह से यहाँ से गाड़ी चलता है डिब्रूगढ़ नाहरकटिया तिनसुकिया तक गाड़ी चलता है। और वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।